मैं आमिर हुसैन यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज थॉट के तवस्सुत से हाजिर हुआ हूँ। अक्सर वो बेचते हैं मेरी वीडियो शेयर होती रहती है जिसको आप लोग लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फौरी तौर पर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो उनको मिल सके। आज मैं कराची पाकिस्तान के मशहूर शहर कराची में खड़ा हूँ और कराची की एक मशहूर शाहरा आगा खान स्वयं रोड पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं आगा खान स्वयं रोड एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है और ये दरिया इसका नाम जो सिलेक्ट किया गया है वो दरिया एक गार्डन है जो गुजर नाले से पानी जो निकल रहा है बाहर और इस शाहरा पर बह रहा है। लोग इंजॉय कर रहे हैं लेकिन मुश्किलात में भी हैं। वो मुश्किलात क्या है? लोगों की व्हीकल्स यानी कार मोटरसाइकिल रक्षा सुजुकी हाईरोप सब बंद पड़ी है और लोग ट्रेवल नहीं कर सकते। इसमें ये हुकूमत की बेहसी को जाहिर करती है कि थोड़ी सी बारिश में कराची बड़ा जैसा शहर जहाँ 2 करोड़ लोग रहते हैं जहाँ पर अरबों खरबों रुपया खर्च हो चुका है उसके बावजूद यहाँ के लोगों के परेशानी का बाइस है। ये हुकूमत की बेहसी नहीं ये हमारी बेहसी है कि हम लोगों से नहीं पूछते हम अरबाब इख्तियार से सवाल नहीं करते। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस शहर में रहते हुए अभी अपने घर नहीं जा सकता। मैं एक जगह मुंजमद हो चुका हूँ मैं अपने घर को रवाना नहीं हो सकता। ऐसे लातादाद लोग हैं करोड़ों हज़ारों करोड़ों लोग जो हैं शाहरा पर मुंजमद हैं। मेरी हुकूमत से गुजारिश है इन चीज़ों को देखें इन पर सोचें कि कैसे लोगों को हम आसानी सहूलत फराहम कर सकें। ये सहूलियात हमारे लिए नहीं है उनके लिए होंगी। हम अरबों खरबों रुपए का रेवेन्यू देते हैं वो कहाँ जाता है इसका सवाल करना हमारा हक है। मुराद अली शाह ने अभी 17 खरब रुपए की डिमांड की है फेडरल गवर्नमेंट से कि कराची को बेहतर बनाने के लिए तो वो पिछला जो इतने अरसे में अरबों खरबों रुपया दिया गया है वो कहाँ गया है। और मेरी हुकूमत से गुजारिश है उन अफसरान से भी सवाल किया जाए जो ऐसे शाहरा बनाने वालों को NOC देते हैं और इनको पास करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फौरी तौर पर चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।